सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं जम्मू। जम्मू से हम थोड़ा पहले रुके थे। ये नहर अभी हमने लास्ट टाइम भी दिखाई थी। ये नहर ना बिल्कुल चनाब नदी से आती है और पूरा जम्मू सिटी से निकलती है। यहाँ से वहाँ तक 20 किलोमीटर रोड के साथ चलती है। वही चला रहा है गाड़ी। जेश के पापा सुबह चले गए थे, वो तकरीबन 6 बजे गए थे ना, 5 बजे गए थे और अभी बजे 6:30। हमें थोड़ा ना एक सामान देना था एक बंदे को, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं। किसी को 5 बजे क्या फ़ोन करेंगे भाई, थोड़ा टाइम हो ना कम से कम, मतलब फ़ोन करे। तो बस हम भी निकले धीरे धीरे। छोटा सा एक काम है, मतलब ये नहीं कि गाड़ी का काम है, हल्का सा पाइप एक थोड़ी सी लीकेज है, उस पर जो बैंड पड़ेगा या पाइप नहीं पड़ेगी, बस वही करवा के फिर हम जाएंगे बड़ी ब्राह्मणा। यहाँ से हमें करनी है फिर से पाइपें लोड। क्या वो रिंग रोड जो बन रही है भाई, दिल्ली अमृतसर और कटरा को जोड़ने के लिए, जम्मू बाईपास, पूरी रिंग रोड भाई जम्मू से, इसका चल रहा है अभी काम। जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, तो हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जम्मू सिटी में। जब हम आएंगे वहाँ से हम बाहरों बाहर ही आ जाएंगे इस तरफ। ये आ गया नरवा, नहीं अखनूर बाईपास भी नहीं है, मतलब ये हमारी रोड में फ्लाई ओवर बन गया। पहले जम्मू सिटी में जाने में दिक्कत आती थी, अब ये बन गया फ्लाई ओवर। और सब गाड़ियाँ फ्लाई, मतलब जिनको सीधा जाना फ्लाई ओवर के ऊपर से, जिनको अगर नीचे काम है वो नीचे जाएंगे, नीचे रोड है पूरी, अब उनको भाई फ्लाई ओवर के ऊपर से जाएंगे। अभी तो नो एंट्री नहीं हुई थी हमारे लिए, क्योंकि 8 बजे होती है, 10-15 मिनट आ गए, तो हमने रिक्स नहीं लिया। नहीं तो हम उस पुल से भी जाते थे चिवल से, और हम जा रहे हैं भगवती नगर वाले पुल से, यहाँ से जाएंगे सीधा एशिया वाले। और यहाँ पे बन रहा है भाई डैम, देखो बाहर पूरे पिलर ना खड़े हो गए, मस्त एक झील बनेगी भाई, बोटिंग वगैरह भी होगी यहाँ पे। ई रिक्शा यार, पानी कितना तेज है, और कोई पानी है इधर यार, कितनी तेज पानी है। देखते भाई इस चक्कर गाड़ी ने तेल कितना खाया। तो आगे पंप पे, इसी पंप से डाल रहे 2-3 चक्कर से हम तेल ना। जान उससे ज़्यादा ला सकते हैं, चलिए सब पहले वाशरूम ही आओ। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर की। IPL देखे नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देखे, काफ़ी प्राइसी आप सीख सकते हो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अगला मैच कौन जीतने वाला है, कौन हार रहा है, इस तरह से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। यहाँ अपना ओपिनियन देखे काफ़ी प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 में रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर्स का कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ आप अपना ओपिनियन देके अच्छे अच्छे प्राइजेज जीत सकती हो। यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी अटोला, स्नेह सेठी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी किस बात की, डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, तो जाइए lotus365 को डाउनलोड कीजिए और खेलिए और पैसे कमाइए। क्या पे करवाते हैं फुल, देखते हैं कितने भी होगी। 2-3 चक्कर हो गए इसी पंप से करवा रहे हैं, पता चलता रहता है कितना तेल खा रही है गाड़ी। 83 रुपये खाई पैसे ना, 83 रुपीज़ जम्मू में, सबसे सस्ता जम्मू में है। चलो उसे डालते हैं, अगर भाई कितना कम जाना चाहिए, 85-85-100 तक कितना जाएगा इसका आइडिया, 85-100 इतना ही जाएगा, तो फिर तो बढ़िया यार, क्योंकि हम यहाँ लोकल चल रहे हैं। यहाँ पे एक बात है, कोई टोल नहीं है हमें रास्ते में, और जो हमारा काम है इस पर ज़्यादा अनलोडिंग लोडिंग भी नहीं है। ठीक है भाई, बजता श्रीनगर बजता गाड़ी को उतने पैसे बच ही रहे, पूरा जानी गंदा हो गया है। वाशरूम भी है शायद, पहले वाशरूम हो आते हैं, गाड़ी वहाँ साइड लगाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि भाई बाहर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर रश रहता है ना। यहाँ पे ठीक है, इतना तेल डाले में इतना तो हो ही सकता है ना। कर ली गाड़ी लाख अपने उसी जगह पर, यहाँ हम गाड़ी खड़ी करते हैं नरवाल में, वहीं आगे वहाँ पार पीते पहले चाय, फिर देखते हैं मिस्त्री। चाय वगैरह पी ली, यहाँ पे एक ना मिस्त्री भाई 10 बजे आते हैं पूरे, मतलब टाइम है पूरा,
अब यहाँ पे हम काम करवाते हैं बलदेव अंकल के पास, देखते हैं अंकल आए होंगे, उनको बोलते हैं कब आएंगे, तो आएंगे बंदे को भेज देंगे हमारे पास। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है, गाड़ी तो अपनी वो पीछे है, तो वो तो स्कूटर लेके आएंगे। मैंने एक ही है जो तेल लीक हो रहा है, प्रेशर का दिक्कत नहीं है, प्रेशर अगर वैसे भी 4-5 मिनट गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, तो वो स्टार्ट करो तो वो ओके हो जाती है। मिस्त्री और तो अभी आए नहीं है, पहले वाशरूम आते हैं, पंप पे वाशरूम बंद था। कट कट आंदे आंदे अपना जानी भी आ गया और जो काम है मिस्त्री जी भी आके कराते हैं चेक। आंदे बड़ी जगह कर सीधी कर, तीन पाइपें लाई थी, इनमें से एक भी काम की निकली, क्योंकि एक थी जो इस नाप की बट वो छोटी निकली, ये ना पूरी गल गई है देखो धूप की वजह से, वो इंजन के पास गर्म होते होते ख़राब हो जाती है। तो और मैन था ना इसमें डीजल लीक हो रहा था और डीजल बहुत महंगा आ गई, बस यही पाइप ही डालनी है बस। और जो थोड़ा हल्का प्रेशर डाउन कर रही है वो ना क्लच बूस्टर नया पड़ेगा, वो अभी डालेंगे नहीं क्योंकि चल रही है, कोई दिक्कत नहीं उससे हमें। 11:30 हो गए और भाई पाइपें सब जुड़ गई, सब काम ख़त्म हो गया, और हमने मैन काम जो कि काफ़ी सारे ट्रक्स पे नहीं होता, सीट बेल्ट आए, हमने सीट बेल्ट पूरी फिट कर दी। मतलब कार की तरह नहीं उतनी, मतलब ऐसे कि खींच के आगे तक आएगी, मतलब एक जगह पे फिक्स हो जाती है, उसका हमने यहाँ पे भी लॉक सीधा किया, नेट बोर्ड लाए, उसका जुगाड़ कर दिया, अब मैंने सीट बेल्ट पूरी लग जाती है आराम से, यहाँ से भी और यहाँ से सीट बेल्ट होती है। चलो अपनी सेफ्टी है, ऐसा नहीं है कि किसी को हम पहन के दिखा रहे हैं, अपनी सेफ्टी भाई, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं यार। तो ब्रजेश गया हुआ पैसे निकालने के लिए, वो आया ब्रजेश भाई के पापा की गाड़ी का अल्टरनेटर खुला हुआ, वो बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था। 12 बजने वाले, एक तो भूख लगी है, अब आगे हम देख, इस गाड़ी को मैंने कभी चलाया नहीं यार, क्या बैठने बैठ गड़ी पे रहने तो होटल खाई लेने उठाई देर सा उस होटल खाई लेने अपने से यार, मैं चलाई नहीं आपने, मैं चलानी वाली गड्डी खाली कर दे। लेट हो गए भाई, खोल खिड़की यार, 2 बज के बस टाइम से लोड हो जाए, ब्रजेश भाई के पापा चले गए, अल्टरनेटर काफ़ी लेट वो फिट हुआ, बन गया प्रेशर भी भाई, प्रेशर की कमी है आजकल ना, चलते हैं आपको यार, सीट बेल्ट थोड़ी सी टाइट हो गई यार, एक सेकेंड नीचे वाले को टाइट करो, इसको दो पूरा पीला पीला, ये चश्मे वाला हीरो तो बाबू क्या ट्यू। तो अभी हम निकलने वाले थे, जैसे यहाँ से निकले ना सुबह एक पाइप डाली थी वो वाली, देखो कितनी, और उस पर फ़र्क देखना, जो हमने अब आप अभी लाई है, और ये दी भी महंगी यार, फिर होलसेल की दुकान से बढ़िया वाली लाई, हम से इसमें काम चल जाएगा बट नहीं चल पाया, उसी वजह से गाड़ी ना एक्सीटर नहीं पकड़ी, जब तेल ही पूरा नहीं जा रहा था दिक्कत आ रही थी। जैसे ही यहाँ पहुँचे ये भाई आ गया अचानक से, मतलब भाई तो मिलने आए थे पर भाई की बाइक का फ़ायदा हो गया, हम लेके नरवाल गए ऊपर के, ऊपर से सारा अपना सामान वगैरह ले आए। हेलो, हाँ मैं देखी है भाई, यहाँ पे अपने मिस्त्री भाई लोग हैं ना, उनका बड़ा सहारा यार, जैसे फ़ोन करो आ जाते हैं अर्जेंट, अपनी गाड़ी निकल जाती है, हो गया काम ओके, तो मोड़ता हूँ यहाँ से गाड़ी हमें। जब इंसान लेट हो रहा हो ना अक्सर ऐसा ही होता है जैसा हमारे साथ हो रहा है, ट्रैफिक जाम, जैसे जैसे खुल गया जाम, और भाई हाय रे गर्मी हो रही, जम्मू का ट्रैफिक बिना कार वाला आ रहा, भैया कार वाले को उस साइड जगह, इधर पता नहीं क्या आ रहा मेरी तरफ यार, इधर गायब ही है भाई यार, पसीना देखो कितनी गर्मी हो गई है। बस हम बड़ी ब्राउन में पहुँच चुके थे, यहाँ पे कुछ जाम लग गया, ये रोड का जाम लगता ही लगता है भाई, आगे जाने में बस सिंगल सा रास्ता बिल्कुल, और हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है, और 50 रुपये की हमारी पर्ची कटेगी, पहुँच जाते लोड हो जाती, टेंशन फ्री हो जाते। उस पाइप पे हंसी आ रही है यार, एक तो हमें ली भी महंगी, यहाँ से हमने ली वहाँ में 100 रुपये की मिली, और यहाँ से हम ओरिजिनल आई वहाँ से 60 रुपये की मिली, डुप्लीकेट 100 की और ओरिजिनल 60 का कितना फ़र्क है। पहुँच गए हम वेट ब्रिज पे, कांटे पे, यहाँ से गाड़ी का वेट होगा, फिर पाइपलाइन लोड करके लास्ट यहाँ पे गाड़ी का वेट होगा, सीधा लोडिंग पॉइंट पे जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, लोडिंग का क्या रहेगा अपना सिस्टम भाई, इसको मोड़ना, देखते हैं कैसे मुड़ पाएगा ये। मुड़ गया यार, पहुँच के भाई यहाँ से पाइपें लोड होनी थी यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास, देखो रेलवे ट्रेन में ना पूरी आर्मी की व्हीकल्स जा रहे हैं, आर्मी की गाड़ियाँ, अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी, देखते कब तक नंबर आता, अपना 4 बज गए, आ गई गाड़ी का मेन गेट पे यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट वाला ना तो गाड़ी का फोटो खींचा, खाली के भी फिर लोड के भी, बस आ रहा है अफसर जो खींचेंगे, जो भी यहाँ पे इसकी ड्यूटी होगी, फिर देखते हैं कौन से पाइपों के साथ गाड़ी खड़ी होगी, कहाँ से गाड़ी लोडेगी, यहाँ से पहले भी कोई गाड़ी की जब मैं और मोहित थे, एक अपने सरदार पाजी थे। पहुँच गए अंदर भाई,
शुरू होगी अपनी गाड़ी की। देखो ये आसान है माल, ये पल्टी करने वाला ठीक रहता है अपना, इसके ऊपर से लोड रखा अपने यहाँ से। ये बस ये पाइपें होंगी 75 पाइपें, ये वाली मोटे वाली, बाकी पता नहीं कौन सी अंकल के अंदर लेने पर्ची। विरजय भाई के पापा की गाड़ी बाहर है पर वो भरने जाएगी। चलिए भी ठीक है, तो यहाँ पे पाइपें गिरनी पड़ती हैं तो धूप पे बाहर घूमना पड़ता है, अभी तो मौसम सही हो गया तो पै जाता, तो पैर अखिल मेट्रो आई और जी ट्रेन है ना, ऐसा लग रहा बुलेट ट्रेन आई, बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है। इसकी शोर भी नहीं है यार, इतनी साउंड से जा रही है एसी ट्रेन, बिना पाइप पाइप एक कटरा जा रही होगी स्पेशल है एसी ट्रेन। अब यार किसी तो जम्मू रुकेगी, हाँ यार मैं आपको ट्रेन बैठना शौक बड़ा यार, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे लोड हो रही हैं वो देखो, आर्मी के टैंक आ रहे हैं भाई, ये देखो यूनिट शिफ्ट हो रही है पूरी, देखो पुरानी टैंकी हैं भी, पुराना सामान सारा लोड करके आगे माल गाड़ी है, उस पर भी आर्मी का सामान होगा तो पीछे वो प्लेटफार्म उस पर सारा आर्मी का सामान। और अब हमें करनी ये वाली पाइपें लोड, थोड़ी छोटे वाली 320 लोड हो गए, गाड़ियाँ भी जा रहे हैं कांटा करवाने, कांटा करवा के फिर आएंगे, फिर फोटो खींचने होंगे, ओके ओके फिर गाड़ी निकलेगी। अपनी गाड़ी का वेट हो गया, राजेश भाई करवा रहे हैं मेरे पापा की गाड़ी का वेट, तो मैंने तो घुमा ली, वो तो एक कट में घूम जाएगी आई थिंक, घर पे रिवर्स करनी पड़ी, और यहाँ से अब चलते हैं वापस वहाँ पे ही, भूख लग रही है वहाँ चाय पियेंगे, यहाँ पे तो है राजेश को आए, राजेश बोलता कुछ खाने के लिए ले ले यहाँ से, तो फ्रूट ही ले ले, एटलीस्ट केले ही ले ले कम से कम, भूख लग रही है। गाड़ियाँ जो है गेट से बाहर निकलने के तैयार, फोटो वगैरह खींच रहे हैं बाहर, टाइम कितना हो गया, टाइम तो गाइस अभी तो देख नहीं रहा, 8:30 हो गए, 9:45 हो गए निकलेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी रोड से काटा ना वो सीधा खुल जाएगा, हमें गाड़ी आगे ले जाना पड़ेगा घुमाने के, तो काफ़ी दिक्कत आ रही वहाँ पे, चाचा जी कर रहे हैं अपना डाला बंद गाड़ी का, अपनी गाड़ी का क्योंकि देखो रॉड से करना पड़ता है, कई गाड़ियों का निकला तो हमारा भी पहले रॉड से करना पड़ता, फिर हमने ठीक करवाया था बैटिंग वगैरह करवाई थी उसमें, ये भी 10 चक्का है पता नहीं कहाँ के लिए लोड है, होगी लोड हम आगे बाहर। अब सबसे पहले अभी तो थोड़ा लेट निकलेंगे जैसे आपको बताया 10-15 मिनट बाद, इस लाइट को क्या हो गया ये ना बिल्कुल डीम चलने शुरू हो गई, सबसे तो पहला टायर में से निकालते हैं पत्थर, देखो आपके सामने आज पत्थर है ना, तो का छुपा है टायर सब, ओके भाई पापा जी की गाड़ी एक फोटो से मेरे को बहुत मस्त लगती है, सामने ही है कुछ निकल भी जाते हैं यार पर कुछ नहीं निकलते, ऐसा नहीं है कि रोड में नहीं है पर अपनी तरफ से मैन चक्कर था डर कील का कि लेट टायर पे कील वगैरह लग जाए। लाइटें सब चल रही हैं, रजेश ने शीशे वगैरह कर दिए साफ, अंदर शीशे कर रहे साफ, बस जाने की लुक। ये भाई आए, भाई ना आगे चले गए थे पहले स्पीड में सीधा पंजाब से भाई, और क्या लाल भाई बस बढ़िया, मैंने देखा मैं गाड़ी तो पहचान की है कोई, बस बढ़िया आप घर में जाओ का भाई, मैं सुबह ही आया बस अभी लोड की है वापस घर, घर का हां घर का पाइपें पीएचसी की, पहले चलते हैं चाय पीने के लिए, चले गए अंकल राजेश भाई के पापा चले गए, निकलते हैं यहाँ से, अब चलाएगा राजेश गाड़ी, मैं करता हूँ वीडियो ऐड, गौरव नहीं है ना तो सारा काम मेरे को ही करना पड़ रहा है। चलो जाने के अंदर बस बड़ी रोड से बाहर निकल रहे हैं, आते हुए 50 रुपये की लगती है म्युनिसिपल वाली पर्ची, किस काम की है, सब गाड़ी से लेते हैं भाई, तो एक बार निकल जाती है जब वो बंदा वहाँ पे ना हो, बस वहाँ से कट सीधा होना चाहिए हमें दूसरी रोड जाने, तो हमें आगे जाना पड़े घूमने के लिए, वो कट खोला हो तो सीधा जम्मू पूरा हम सिटी के बीच में से निकलेंगे तो सीधा निकल जाएंगे आगे। बड़ी ब्राह्मणा मार्केट और यहाँ से लेकर जम्मू तो ऐसे ही रहेगा डाइवर्शंस। ये गाइस जम्मू सिटी रेडी है, मतलब आ गया मेन स्टॉप गांधीनगर,
यहाँ पे फास्ट फूड हर चीज़ मिलेगी भाई, जो मुझे फेमस डिशेज हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगी। पूरे शाम को 4 से 5 बजे ओपन होती है, रात को 10-11 बजे मेरे पास। और पत्नी टॉप श्रीनगर रास्ता सीधा चला गया, कटरा सीधा चला गया और ओल्ड सिटी जम्मू भी चला गया। हमें इधर कहीं पे भी नहीं जाना, मतलब ये रास्ता है, दिन को 9 घंटे रहती बड़ी गाड़ी मिली, वो बाईपास है, छोटी गाड़ी होती है। और रात को भाई जम्मू सिटी में घूमने का अलग ही मजा है, इतनी लाइटें, कितना प्यारा शहर। यहाँ पे आ गया कॉलेज, मतलब हमें अब अपना गांव पसंद है क्योंकि गांव में खुले खुले घर, खुली हवाएं, हम नहीं शहर में रहते, बट ना रात को शहर की खूबसूरती है ना भाई, नेक्स्ट लेवल होती है, नेक्स्ट लेवल। लाइटें लाइटें और क्या प्यारा व्यू, और यहाँ पुल में हवाएं चलती हैं, यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड करना, बातें करना। और ब्रिज में कोई रश नहीं, अभी नया ब्रिज है उसमें इतना ट्रैफिक नहीं होता, यहाँ पर रुके रुके कुछ, या तो रॉन्ग साइड में रुके हुए, और वो गलत बात है, आगे से गाड़ी आ रही है, इस साइड रुको ऐसे यहाँ पर रुके कुछ। ये देखो दोस्त जा रहा हो, बातचीत कर, एक मस्त लोकेशन है, वहाँ साइड पे गाड़ी मतलब खड़ी करना तो अलाउड नहीं है, बट थोड़ी देर रुक सकते क्योंकि ना इस पर इतना भी रश नहीं है पुल पे। शहर देखो भाई, ये गाड़ी अपने साथ रात को भी आई थी और अभी भी जा रही है, क्या लोड किया इसने ना, कौन सा माल है। रात को हमारे साथ ही आई थी, पर रुके थे रास्ते में, ये ना भाई के आप रुके नहीं, पर हम आगे खाना खाते थे रुके। पहुंच गए टांडा ढाबे पे, गाड़ी स्टार्ट रखेंगे क्योंकि चढ़ाई चढ़ गई है, गर्म है, तो खाते हैं हम खाना फिर निकलेंगे। अब ये ही चलाएगा, मैं करूँगा ब्लॉक एंड, और क्योंकि उसके पापा की गाड़ी भी साथ में, तो जब से पापा साथ में हैं तो हम बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, और गाड़ी तेल भी सट कर रहे हैं, अकेले होते हम थोड़ा गाड़ी खींच लेते हैं, अभी बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। टेम्परेचर कितना गाड़ी में भी, टेम्परेचर तो भाई 80 से थोड़ा सा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल होता है। तो गैस खाना पीना खाते हैं चल के, तो करते हैं उसके बाद करते हैं अपना सफ़र, तो इस ब्लॉग को करेंगे यहाँ पे एंड। होप आपको ब्लॉग सही लगा होगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे अभी कैसे खाना खाएंगे, उसको लगा देंगे सेव करने में, मतलब एक दो एक डेढ़ घंटा लगता है ब्लॉग को सेव करने में, दूसरे फ़ोन में भेजने में, तब तक हम भी मंजिल पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ से सेव नहीं करेंगे वहाँ पर बड़ी मुश्किल हो जाती है, मतलब सोना भी, फिर गाड़ी रुक जाती है, उसके बाद काफ़ी टाइम लग जाता है, बस चलते हैं। तो होप जिन भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई जरूर जो सब्सक्राइब करें, तो कल देखते हैं, कल एक नए गांव में, वहाँ पे मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, गाड़ी खाली कर रहे हैं, देखते हैं कैसी लोकेशन है, कहाँ पे गाड़ी खाली होगी अपनी। टेक केयर, बाय।